हेलो गाइस, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल गिटार गुरु और क्लिक कीजिए इस बेल आइकन पे ताकि आपको मेरे चैनल के अपडेट्स मिलते रहें। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गिटार गुरु। सो आज हम जो गाना करने जा रहे हैं उस गाने का नाम है जन्म जन्म, जो कि फिल्म दिलवाले से है। तो मैं इस गाने के आपको लीड्स बताऊंगा। सो गाइस, ये वाला लेसन अगर लीड का लेसन है तो इस वजह से ये लेसन थोड़ा लंबा होने वाला है। तो एक बार आप पेशेंस रख के पूरी वीडियो देखिएगा, आपको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा कैसे बजाना है। तो एक बार आप देख लीजिए कि लीड बजेगी कैसे। सो मैं एक बार प्ले करके दिखाता हूँ आपको। सो गाइस, अभी आपने देखा मैंने इसका लीड पैटर्न बजाया था। तो चलिए मैं आपको गाना सिखाता हूँ। तो आप इस गाने में एक बार देख लीजिएगा कि मेरी फिंगर्स फॉलो करना ज़रूरी है। आप एक बार मेरी फिंगर्स फॉलो कीजिएगा, फिर आपको गाना बहुत आसानी से आ जाएगा। मैं आपको बहुत स्लो प्ले करके दिखाऊंगा, आप एक बार देख लीजिएगा मेरी फिंगर्स को। आप अगर मेरे फिंगर्स को एकदम देख के चलेंगे तो आपको गाना थोड़ा जल्दी आ जाएगा। तो ये गाना स्टार्ट होगा 7th फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिंग से। इस वाली जगह आपको यहां से आपको सीधे 12th फ्रेट पे आना है, इसे 12th फ्रेट कहते हैं, यहां आना है। उसके बाद अब जो ये वाला आएगा पार्ट, इसमें आपको दो चीजें करनी है, एक तो हैमर ऑन और एक पुल ऑफ। तो ये दोनों करने कैसे बार आप देख लीजिए। आप 14th फ्रेट पकड़िएगा, ये 14th फ्रेट है, इसको प्रेस किया फर्स्ट स्ट्रिंग को। तो जैसे आप इसको हिट करेंगे आपको अपनी ये फिंगर सेवेंटी 15th फ्रेट पे लानी होगी, उसको बस ऐसे करके उठा देना है, ऐसे उठा देना है। तो जब आप इसे दबाएंगे तो ये हैमर ऑन हो गया और इसको उठा देंगे पुल ऑफ हो गया, तो आपकी कुछ आवाज इस तरह आएगी। ये मतलब आपने ऐसे उठाया, फिर एक बार आपको 14th फ्रेट फिर बजानी है, तो ऐसा आएगा। फिर ये आपको 12th फ्रेट के साथ, इन्हें फिर ये 10th के साथ। आपको बस करना कुछ नहीं था, बस हैमर ऑन और पुल ऑफ में आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, इसका आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी हो पाएगा। अगर नहीं भी हो पाएगा तो कोई बात नहीं, आप सिंगल प्ले कर देंगे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फिर भी अगर आपको थोड़ा अच्छी तरीके से प्ले करना है तो आपको ये इफेक्ट डालना पड़ेगा। तो अभी हमने यहाँ तक सीख लिया। ये आपका इंट्रो खत्म हो गया। सो गाइस, अभी आपने देखा गाने का इंट्रो पार्ट। सो अब गाने के मेन लाइन पे आते हैं, जो तो ये थी। सो
सो ये प्ले कैसे होगा गाइस, आइए देखते हैं। आपको 7th फ्रेट 2nd स्ट्रिंग पकड़नी है। एक बार फिर देख लीजिए आप। अब गाइस यहाँ से जो पार्ट बजेगा ये थोड़ा तेज बजाना है, जो कि ये है। सो ये बजाना है आपको, तो ये बजेगा कैसे एक बार देख लीजिए आप। ये चालू होगा 6th फ्रेट की 1st स्ट्रिंग से। आप खाली मेरे फिंगर्स को फॉलो कीजिएगा गाइस, आपके लिए गाना इजी हो जाएगा। सो ये पार्ट जैसे थोड़ा तेज प्ले हुआ है तो मुझे भी इसको थोड़ा स्लो बजाने में दिक्कत होगी, तो एक बार आप देख लीजिएगा। फिर यहां से फोर्टीन फ्रेट पे जाना आपको, तो ये जो अभी आपने बजाया ये इस तरह बजेगा। क्या करने एक बार आप देख लीजिए फिर से। यहाँ पे आपको 9th फ्रेट और 7th फ्रेट के बीच में डबलेट करनी है, फिर आपको 10th फ्रेट और 8th फ्रेट के, 12th फ्रेट और 10th फ्रेट के, फिर आपको सीधे 14 पे आके कर देना है, तो ये इस तरह होगा। अब गाने की बोलन आती है, मेरी सुबह हो तुम्ही और तुम्ही शाम हो, तो ये गाइस कैसे बजेगा एक बार देख लीजिए आप। यहाँ ये होगी 7th फ्रेट 1st स्ट्रिंग से चालू हुई है, तो एक बार देख लीजिए। गाइस स्लो बजाने में मेरे को भी थोड़ी दिक्कत होती है, तो एक बार आप कॉम्प्रोमाइज कर लीजिएगा, एक बार आप भी देख लीजिएगा। सो गाइज इसमें आपको देखने वाली बात ये थी, बस आपको स्टार्टिंग जो थी इसकी वही एक बार थोड़ी चेंज थी, तो उसमें आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। बाकी जो गाना था वो सेम पुराना ही वाला था, आपको बस लिरिक्स चेंज थी, बाकी आपको बजाना वही था। आप एक बार खुद सुन के देख लीजिए। मेरी ये जो मैं बजा रहा हूँ आपने अभी पहली लाइन में भी यही बजाया था सेम, तो आपको पूरा गाना सेम बजाना है। सो आपका दूसरा पैराग्राफ भी इसी तरह खत्म हो जाएगा, फिर आपको जो आखिरी पैराग्राफ आता है, पैराग्राफ नहीं एक तरह से वो आप कह सकते हैं कि ट्यून जो थी वो इस तरह बजेगी। सो आपने अब इंट्रो बजाया होगा, तो जब मैंने आपको इंट्रो बताया था तो आप इंट्रो में एक बार देख लीजिएगा, जहाँ पे मैंने सिर्फ सिंगल स्ट्रोक पे रोक दिया था उस जगह पे आपको
बजाते रहना होगा, तो वो इस तरह बजेगा। गाइज आपने देखा ये गाना काफी इजी था। इस गाने को आपको ऐसे ही प्ले करना था। इसमें आधे से ज्यादा चीजें कॉमन थी, तो एक बार अगर आपने इसका पहला पैराग्राफ और इंट्रो सीख लिया तो आपने पूरा गाना सीख लिया, क्योंकि दूसरे में भी दोनों चीजें में थोड़ी सी वेरिएशन करके प्ले कर देगा पूरा गाना। सो गाइज ये गाना यहीं पे फिनिश होता है। आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज गिव इट अ बिग थम्स अप, और प्लीज प्लीज अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए गाइज प्लीज। Thank you for watching this video, guys. Thank you, guys. Thank you for watching this video. And please do like and subscribe my video.